चलिए दोस्तों, आप लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लगातार कमेंट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के करताला ब्लॉक में। आप लोग देखेंगे इसमें नंबर ऑफ सीरियल लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत लोगों का पेमेंट आया है। मई के लास्ट वीक तक पेमेंट आया, यानी कि 29 और 30 इन दोनों डेट में बहुत लोगों का पेमेंट आ चुका है। पहले किस्त के रूप में 25,000 रुपये की राशि सबको दिए गए हैं। तो चलिए आइए सबका हम लोग लिस्ट चेक करते हैं। तो अभी का जो शुरुआत है लास्ट से करते हैं, देखते हैं कि लास्ट वाले लिस्ट में कितने लोगों का पेमेंट आया है। इस वाले लिस्ट में देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं लास्ट वीक ऑफ मई यानी कि 30 मई 2023 को इन सभी किसान भाइयों एवं बहनों लोगों को 25,000 रुपये की राशि उनके दिए गए वेरीफाइड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। इस वाले लिस्ट में टोटल कितने लोगों का नाम दिया गया है, तो 44 लोगों का नाम दिया गया है, जिनका सभी का अप्रॉक्सीमेटली एक पेमेंट आ चुका था। चलिए इन सभी का हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं, पता चल जाएगा कि इनका ऑर्डर शीट कौन से डेट में बना था कि पेमेंट इनका 30 मई को जारी कर दिया है। चलिए उनका हमने रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी है पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करते ही उनका डिटेल्स स्क्रीन पर आया था, देख सकते हैं स्टेट छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोरबा और ब्लॉक करताला, और देख सकते हैं पंचायत और गांव का नाम भी दिया गया है। बात करेंगे ऑर्डर शीट डेट का, तो देखिए ऑर्डर शीट बना 27/5/2023 को इनका ऑर्डर शीट बना था। 25,000 रुपये की राशि इनको मिलने वाले थे पहले किस्त के रूप में फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के तहत, और फाइनली यह जो 25,000 रुपये की राशि है इस वाले दिए गए वेरीफाइड बैंक अकाउंट में कब आ गया, 30 मई 2023 को, यानी कि महज 3 दिनों के अंदर ही इनका पेमेंट जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखिए इनका ऑलरेडी फ़ोटो वगैरह सब कुछ क्लिक हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें 44 लोगों का नाम दिया गया था जिसके तहत इनका पेमेंट आ चुका है। तो चलिए और भी लिस्ट में आप लोगों को दिखाते हैं स्क्रीन पर। इस वाले लिस्ट में देखेंगे दोस्तों, तो इसमें भी 29 मई 2023 को इन सभी को 25,000 रुपये की राशि पहले किस्त के रूप में ट्रांसफ़र किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डेट दिया गया है। इसमें लिस्ट चेक करेंगे तो इसमें कितने लोगों का नाम दिया गया है, टोटल 57 यानी कि 58 किसान भाइयों एवं बहनों लोगों को एक ही साथ 29 मई 2023 को इन सभी को 25,000 रुपये की राशि जारी किए गए हैं। तो चलिए इसमें से भी किसी एक का हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ देख लेते हैं कि इनका आखिर ऑर्डर शीट कब बना था। चलिए सिंपल सा रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी हो चुका है, और इस वाले सेक्शन पर आकर हम लोग क्या करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करके सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं, उनका डिटेल्स देख सकते हैं स्क्रीन पर आ चुका है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट पंचायत और विलेज। बात करेंगे ऑर्डर शीट डेट का, तो देखिए 27 को इनका भी ऑर्डर शीट बना था, उसके 2 दिनों के अंदर ही क्या हो गया, पहला इंस्टॉलमेंट के रूप में 25,000 रुपये की राशि इस वाले दिए गए वेरीफाइड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कितने लोगों का अंतिम सप्ताह में ऑर्डर शीट बना था पेमेंट के लिए। तो चलिए सिंपल हम लोग खोज लेते हैं कौन से वाले में पेमेंट आया हुआ था। और भी लिस्ट है तो कितना का लिस्ट दिखाएंगे स्क्रीन पर। तो इस वाले लिस्ट में देखेंगे 27 को ही आ चुका है पेमेंट इनका। और भी लिस्ट है यहाँ पे, देखते हैं कितने लोगों का ऑर्डर शीट बना है और पेमेंट भी आया हुआ है। देखिए इसमें भी 22/5 वाला है, इसमें इस वाले लिस्ट को हम लोग चेक करते हैं, बहुत लोगों का पेमेंट आया हुआ है। 29/5 को देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक और लिस्ट है, इसमें भी 29/5/2023 को इन सभी का पेमेंट आया हुआ है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कितने लोगों का ऑर्डर शीट बना और पेमेंट आया हुआ है। चलिए आप लोगों ने देखा कि बहुत लोगों का नया नया ऑर्डर शीट बन रहा है और साथ ही साथ पेमेंट भी आ रहा है छत्तीसगढ़ में। तो आप लोग का लगातार कमेंट आता है, इसीलिए मैं आप लोग को सॉल्यूशन देता हूँ। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं इसी अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।